स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं बीपी शिवसवा आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का टॉपिक हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। चैप्टर नंबर 10 है, नाम है आपके पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इसमें हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन समूह। हेलोजन समूह, हेलोजन समूह है या हेलोजन ग्रुप। ये ग्रुप नंबर कितना होता है? ग्रुप नंबर होता है 17। कितना होता है? ग्रुप नंबर 17। इसको प्रेजेंट करते हैं अक्ष से। अक्ष में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटाइन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व है, वो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हम लेंगे हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके आगे दो वर्ड दिए हुए, एल्केन और एरिन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ये है आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, ये दोनों हाइड्रोकार्बन चेन है। अभी बताऊंगा कैसे है। आपको पता है हेलो एल्केन मतलब हेलोजन समूह किसके साथ? एल्केन के साथ। हेलो एरिन मतलब हेलोजन समूह किसके साथ? एरिन के साथ। ये दोनों क्या है? एल्केन और एरिन, हाइड्रोकार्बन चेन। हम कह सकते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में स्टडी ऑफ हेलोजन, स्टडी ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। कहने का मतलब कि हम अध्ययन करेंगे किसका? हेलोजन व्युत्पन्न का, हेलोजन व्युत्पन्नों का या हेलोजन व्युत्पन्न युक्त हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा आपका? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। कहने मतलब हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन द्वारा बने हाइड्रोकार्बन, इन सब का अध्ययन करेंगे किसमें? हेलो एल्केन और हेलो एरिन में। अब देखते हैं आपके पास एक नाम आया हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन होती क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन ये दो प्रकार की होती है, आपने 11th में पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन चेन दो प्रकार की होती है, 11th में सबने पढ़ा है। पहली है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन। दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, एलिफेटिक, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ये है आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। चेन की बात कर रहे हैं, चेन एक श्रृंखला के रूप में। पहली है एलिफेटिक, दूसरी है एरोमेटिक। एलिफेटिक आपके पास दो डिवाइडेड है, इसके दो पार्ट हो जाते हैं एलिफेटिक के। पहला है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। संतृप्त में आप ऐसे बोल सकते हैं सिंगल बंद या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या एकल बंद युक्त कोई भी श्रृंखला है वो क्या है आपकी? संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरी है आपके पास अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, या इसको बोलते हैं हम असंतृप्त, असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन चेन। असंतृप्त का मतलब इसमें होता है सिंगल बॉन्ड तो नहीं होता, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले किसमें चले जाएंगे, संतृप्त कार्बन में। यहाँ पे बोल रहे हैं एल्केन, हेलो एल्केन। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब हेलो एल्केन में, जो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, या हेलोजन व्युत्पन्न बोल सकते हैं। हेलोजन व्युत्पन्न में दो प्रकार होते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन में आप पढ़ेंगे संतृप्त वाले का, एन लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब संतृप्त वाले, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन या सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन। इसमें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में केवल सैचुरेटेड वाले ही पढ़ेंगे, क्योंकि अनसैचुरेटेड में क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन और आयन युक्त हाइड्रोकार्बन चेन की बात करेंगे। तो हम केवल सैचुरेटेड के लिए पढ़ेंगे। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू होता है 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3 कितना भी हो सकता है, 1 से स्टार्ट होता है। ये होता है सिंगल बॉन्ड के लिए CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड के लिए देखें तो डबल बॉन्ड के लिए तो फॉर्मूला होता है, डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, n की वैल्यू वही 1 से स्टार्ट होती है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखिए, ये तो है सिंगल, डबल बॉन्ड के लिए अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो CnH2n-2, यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। ये तो है आपके पास एलिफेटिक दो प्रकार के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है, एक वैज्ञानिक आए थे हक्कल नाम के, उन्होंने एक रूल दिया था, उस रूल के अनुसार कोई भी श्रृंखला है तो वो क्या है, एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक की मैं बात करूं तो इनके अनुसार एक वैज्ञानिक आए थे हक्कल नाम के, हक्कल्स रूल बोलते हैं वैसे तो, हक्कल नाम के वैज्ञानिक ने एक रूल दिया, उसके अनुसार अगर कोई भी श्रृंखला बन रही है तो वो क्या कहलाएगी, एरोमेटिक। इन्होंने बताया कि कोई भी श्रृंखला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त हो तो वो श्रृंखला कैसी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन होगी। कैसा रूल है कि जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे n की वैल्यू है 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 ऐसे चलती रहेगी। मतलब 0 रखा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर 1 रखा, 1 वैल्यू रखी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसी श्रृंखला, केकुले ने एक संरचना बनाई थी जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन में देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर। कहने मतलब केकुले ने जो संरचना बनाई थी बेंजीन की, वो कितने पाई इलेक्ट्रॉनों की है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये किसके, किसको फॉलो कर रही है, हक्कल नामक रूल से, हक्कल नामक वैज्ञानिक ने जो रूल दिया था उसको फॉलो कर रही है। उसने दिया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन। क्या है ये, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन। तो हम इसको बेंजीन भी बोलते हैं, इसको एरिन, एरिन भी बोलते हैं। बेंजीन, बेंजीन तो आप 11th पढ़ चुके हैं, बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और प्रत्येक डबल बॉन्ड युक्त होते हैं, प्रत्येक कार्बन का संकरण होता है sp2, इतना तो जानते हो। इसके बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन किसका, हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, वर्गीकरण हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं किसका, हेलो एल्केन का। तो क्लासिफिकेशन दो प्रकार से, पहला है आपके पास, पहला देखते हैं, दो प्रकार से हैं, पहला है हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा है आपके पास संकरित
कार्बन के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया है इन्होंने, पहला है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा है संकृत कार्बन के आधार पर। संकृत कार्बन के आधार पर तो संकरण या संकृत कितना कैसा संकृत कार्बन है, sp2 है, sp3 है, sp संकृत है, तो उनके आधार पर एक है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कि कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, उस संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है हेलो एल्केन का। तो पहले पढ़ते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, पहला क्या पढ़ते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर आप सिंपल सा बोल सकते हो कि पहला जैसे हेलोजन परमाणु एक ही लगा हुआ हो, किसी श्रृंखला में एक ही हेलोजन परमाणु लगा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हो मोनो, क्या बोलते हो मोनो, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। दो लगे हो अगर किसी श्रृंखला में दो हेलोजन परमाणु लगे हो तो उसको क्या बोलते हो डाई हेलो एल्केन, अगर तीन लगे हो तो उसको क्या बोलते हो ट्राई ट्राई हेलो एल्केन। ये तो सबको पता है अगर एक ही हेलोजन परमाणु लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, अगर दो हेलोजन परमाणु लगे हुए तो उसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन, अगर तीन हेलोजन परमाणु लगे हुए तो उसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। तो मोनो के लिए देखें सबसे छोटी श्रृंखला CH4 होता है, इसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन समूह द्वारा हो जाता है जैसे CH3 और ये हेलोजन समूह जुड़ गया, ठीक है। इसकी संरचना देखना चाहे तो तीन तो हेलोजन सॉरी हाइड्रोजन समूह लगा हुआ है, एक लगा हुआ है आपके पास हेलोजन समूह है, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ना कि हाइड्रोजन से जुड़ के किससे जुड़ा हुआ है कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक श्रृंखला होती है जैसे दूसरी श्रृंखला देखें कि इसमें भी एक ही हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो ये भी कैसा है मोनो हेलो एल्केन। अगर नाम की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दे, जैसे हेलोजन समूह है क्लोरीन तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है दो कार्बन को बोलते हैं एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन और आगे लगा हुआ है क्लोरीन तो क्लोरो एथेन, क्या नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। इसके अलावा देखते हैं डाई डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन का मतलब हेलोजन परमाणु कितनी संख्या होगी, हेलोजन परमाणु की दो संख्या होगी, दो संख्या होगी तो इसको दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है, पहला है जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड, दूसरा है आपके पास विस्लेन डाई हेलाइड, विस्लेन डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड का मतलब ऐसे होता है कि जिस कार्बन से हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं, इसमें कितने हेलोजन समूह जुड़ेंगे दो, जो दोनों हेलोजन समूह जुड़े हैं जिस कार्बन पर वो सिंगल कार्बन पे दो समूह जुड़े होंगे, कहने का मतलब ये कोई चेन है CH4 मेथेन, इसके दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दो हेलोजन समूह द्वारा कर दिया जैसे क्लोरीन द्वारा कर दिया तो एक ही कार्बन पे दो हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं, तो एक ही कार्बन पर दो हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। दूसरा उदाहरण देखें इसके लिए कि दूसरा उदाहरण देखें तो दूसरा उदाहरण देख सकते हो CH3 CH2 और सिंगल, यह है आपके पास एथिल समूह है, एथिल समूह में दो संयोजकता किसी हेलोजन समूह द्वारा एक ही कार्बन पर दो हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे जेम डाई हेलाइड, किसी भी कार्बन पे दो समूह जुड़े हुए हो एक ही कार्बन पर तो उसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। विस्लेन डाई हेलाइड बोलते हैं, विस्लेन डाई हेलाइड के लिए देखते हैं विस्लेन डाई हेलाइड, विस्लेन डाई हेलाइड होता है कोई भी कार्बन श्रृंखला है जैसे मैंने कोई कार्बन श्रृंखला बनाई, ये कार्बन श्रृंखला है इसमें चार कार्बन है एक दो तीन चार, चार कार्बन युक्त श्रृंखला को बोलेंगे सिंगल बॉन्ड है तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन, क्या बोलेंगे ब्यूटेन। किसी दो कार्बन पर कितने हेलाइड समूह लगाएंगे दो हेलाइड समूह, किसी दो पड़ोसी कार्बन होने चाहिए, चाहे इस पर लगा लो इस पर, अगर दो पड़ोसी कार्बन के एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया हमने
एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने पर एक संयोजकता फ्री हो गई, उन संयोजकता पर हेलोजन समूह लगा दिया, जैसे क्लोरीन लगा दिया। दोनों पड़ोसी कार्बन है, दोनों पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन समूह लगाते हैं तो वो होता है आपके पास विस्लन डाई हैलाइड। चाहे ये पड़ोसी मान लो, चाहे ये पड़ोसी मान लो, चाहे ये पड़ोसी मान लो, किसी दो पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन समूह का जुड़ना विस्लन डाई हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं तीसरा प्रकार था आपके पास ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में किसी भी कार्बन पे तीन समूह जुड़ सकते हैं या फिर तीन कार्बन युक्त श्रृंखला पे तीन समूह जुड़ सकते हैं। कहने मतलब हेलोजन समूह की संख्या कितनी होगी? तीन। कैसे भी जुड़े उसको बोलेंगे क्या? ट्राई हेलो एल्केन। जैसे उदाहरण देख सकते हैं CH3, CH2, CH3। इसके प्रत्येक यहाँ पे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, तीनों का प्रतिस्थापन कर दिया मैंने तीन समूह द्वारा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तीन हेलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया, तो भी ये कैसा है? ट्राई हेलो एल्केन। अगर मैंने यहाँ पर एक ही समूह लगाया, प्रत्येक कार्बन पर मैंने एक एक समूह लगा दिया, तो ये भी क्या है? ट्राई हेलो एल्केन। किसी दो कार्बन पर लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे नहीं लगाया, तो ये इसमें भी तीन समूह लगा हुए, एक दो तीन, तो ये भी क्या है? ट्राई हेलो एल्केन। आपको ध्यान रखने वाली बात यही है डाई में, डाई हेलो एल्केन में आपको ध्यान रखना है जेम डाई हैलाइड, किसी एक ही कार्बन पर दो समूह हेलोजन समूह लगे हुए हो तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। दूसरा है विस्लन डाई हैलाइड। तो विस्लन डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कि किसी दो पड़ोसी कार्बन पर दो समूह लगे हुए हो हेलोजन समूह, तो उसको बोलते हैं विस्लन डाई हैलाइड। तीसरा था आपके पास ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन में तीन कार्बन या तीन समूह है किसी कार्बन पर लगे हुए हो हेलोजन समूह, कहने मतलब तीन समूह होने चाहिए हेलोजन समूह के, तो क्या है? ट्राई हेलो एल्केन। आपके पास दूसरा टाइप था वर्गीकरण का, दूसरा टाइप क्या था? संकृत कार्बन के आधार पर, संकृत कार्बन के आधार पर। तो देखते हैं दूसरा टाइप, संकृत कार्बन के आधार पर, संकृत कार्बन के आधार पर दो प्रकार का है वर्गीकरण में। पहला है sp3 संकृत युक्त कार्बन, sp3 संकृत युक्त कार्बन पर हेलोजन समूह का जुड़ना पहला। दूसरा है आपके पास sp2 संकृत कार्बन पर हेलोजन समूह का जुड़ना। तो आपके पास sp3 का देखते हैं, sp3 में आपके पास तीन डिवाइडेबल है, तीन प्रकार का है sp3 भी। sp3 में पहला है एल्किल हैलाइड, किसी भी श्रृंखला पर हेलोजन समूह का जुड़ना एल्किल हैलाइड कहलाएगा। कोई भी श्रृंखला है आपके पास डायरेक्ट जुड़ रहा है तो ये कितना संकृत कार्बन है? sp3। यहाँ पे ये कार्बन से जुड़ रहा है तो ये कार्बन कितना है? sp3 संकृत। तो जिस कार्बन पे जुड़ रहा है वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 संकृत कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp3 है, सिंपल चेन में sp3 संकृत कार्बन होते हैं। दूसरा देखते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक का मतलब आपको एलिलिक समूह का पता होना चाहिए, फिर उस पे हैलाइड समूह जुड़ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक समूह होता है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये होता है आपके पास एलिलिक समूह। एलिलिक समूह इतना क्या है? एलिलिक समूह जो संयोजकता फिर है इस पे हैलोजन समूह लग गया, हेलोजन समूह एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों आते हैं, तो एक्स से डिनोट कर दिया मैंने, हेलोजन समूह जोड़ दिया एक, तो ये आपके पास है एलिलिक समूह। इसमें जो हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है वो कितने संकृत कार्बन पर जुड़ा हुआ है? ये संकृत कार्बन कितना है? sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है,
पर ये समूह कौन सा है? एलिलिक समूह। एलिलिक समूह की पहचान कैसे करेंगे? जिस कार्बन से हेलोजन समूह जुड़ता है वो खुद तो क्या होगा, sp3 संकृत। पर जो कार्बन sp3 संकृत कार्बन युक्त है उससे जस्ट पहले वाला sp2 संकृत कार्बन होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, जिस कार्बन से हेलोजन समूह जुड़ता है वो कार्बन जस्ट पहले वाले कार्बन जो है वो sp2 संकृत होना चाहिए, खुद sp3 होना चाहिए। तो ये समूह कैसा है? एलिलिक समूह। इसमें हैलाइड समूह जुड़ गया तो एलिलिक हैलाइड। इसके बाद तीसरा आता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड को समझे यहां पर। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड मतलब बेंजीन होना चाहिए, ये बेंजीन। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, उस किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां पर मैंने लगा दिया CH2 और सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। अब जो संयोजकता फिर है वहां पे मैंने हैलोजन लगा रहा हूं, तो ये आपके पास बनेगा क्या? बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड में बेंजीलिक समूह जो है वो सात कार्बन युक्त होता है। सात कार्बन युक्त मतलब छह कार्बन युक्त तो बेंजीन ही होती है। इसके अलावा एक कार्बन और लगा रहता है, जिस कार्बन लगा रहता है उससे क्या जुड़ा रहता है? हैलोजन समूह। क्या जुड़ा रहता है? हैलोजन समूह। अब देखो जिस कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ा हुआ वो कैसा है? sp3 संकरित कार्बन है। जस्ट इससे पहले वाले कार्बन का संकरण क्या है? जस्ट इससे पहले वाले कार्बन का संकरण है आपके पास sp2, पर ये बेंजील लगे हुए तो इसलिए कह दिया इसको बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक समूह होता है सात कार्बन युक्त, छह कार्बन ये बल्ब पे है, एक कार्बन ये रहा, तो सात कार्बन युक्त होता है। जिस कार्बन से जुड़ता है वो sp3 संकृत कार्बन होना चाहिए। वो जो sp3 संकृत कार्बन है वो जस्ट पहले वाले कार्बन जो जिसका संकरण क्या है sp2 उससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है? बेंजीलिक हैलाइड। आपके पास दूसरा वर्गीकरण में जो संकृत युक्त कार्बन के आधार पर दूसरा टाइप है आपके पास sp2 संकृत युक्त कार्बन। तो इसके लिए देखते हैं, sp2 संकृत कार्बन युक्त होना चाहिए। इसके लिए देखें तो ये दो प्रकार का है, ये दो प्रकार का। पहला है आपके पास वाइनिलिक हैलाइड, पहला है वाइनिलिक हैलाइड, पहला sp2 संकृत कार्बन युक्त में देख रहे हैं पहला वाइनिलिक हैलाइड। कहने का मतलब वाइनिलिक समूह पर जुड़ा होना चाहिए हैलाइड समूह, तो वाइनिलिक हैलाइड वाइनिलिक समूह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक संयोजकता फिर, यह आपके पास क्या है? वाइनिलिक समूह। वाइनिलिक समूह की पहचान करेंगे जिस कार्बन से जो संयोजकता फिर या हैलोजन समूह जुड़ने आएगा वो कार्बन कैसा होना चाहिए। पहली बात तो sp2 संकृत कार्बन होना चाहिए और वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं वाइनिलिक समूह। वाइनिलिक समूह पर किसी हैलोजन समूह का जुड़ना वाइनिलिक हैलाइड कहलाएगा। वाइनिलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ता है उसका संकरण होता है sp2 संकरण होता है। इसके अलावा दूसरा टाइप देखते हैं इसका, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन। एरिल का मतलब मैंने पहले बताया है क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन के किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाए? हैलोजन परमाणु के साथ। हैलोजन परमाणु के द्वारा किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है तो उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। जैसे यहाँ के कार्बन का हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? हैलोजन समूह के द्वारा, तो ये क्या है? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड होगा। प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन में, तो प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? हैलोजन समूह द्वारा। हैलोजन समूह द्वारा होता है तो वो क्या कहलाएगा आपका पास? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड इसमें जिस कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ा हो उसका संकरण देखें तो उसका संकरण क्या होगा? sp2 संकरण होगा। इसके साथ अगली क्लास आपको IPSC नाम के साथ मिलेगी, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।